हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय बर्थडे ब्लॉग। आज है मेरा बर्थडे और आज है 15 अगस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अभी चल रही हूँ मैं इस आउटफिट में फोटोशूट करवाने। वैसे एक बर्थडे ब्लॉग मेरा और आउट हो चुका है जिसमें रात से 12 बजे का पूरे दिन का है ये। गाइस, तो ये है मेरा फुल आउटफिट, आप देख सकते हो। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। वो फिर से पीछे लैटरिन आ रही है। वाह, क्या सीन है। घर के पीछे पब्लिक टॉयलेट है जिसका हर वीडियो फोटो में योगदान रहता ही है। अभी मेरे पास जस्ट सरप्राइज आया है। आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लैड। दिन भर सरप्राइजेस मिल रहा है। मैं क्या करूँगी इतने सरप्राइज का, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। स्वतः आई घर और भाग गई पूरी स्कूटी। स्कूटी की सफाई हो रही है भैया, क्योंकि इसमें बैठेगी तो गीली हो जाएगी। ये गिफ्ट जो है ये टोटली अननोन है, मुझे नहीं पता अंदर अंदर कितने स्वीट्स है, बट जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। अरे बर्थडे था तो जैसा कि आपको मैंने बताया, कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं करना सच धज के, लेकिन मैंने खुद को रेडी कर लिया है। अच्छा लगता है, मतलब अपने आप को, जब आप अच्छे अपने आप को फील करते हो कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, तो अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपको। तो इसीलिए बर्थडे के दिन कॉन्फिडेंट रहना है। वन मोर गिफ्ट आई हैव दिस, जो कि दिया है जूही ने मुझे तुरंत ला के। घर में बैठे बैठे आ गए मेरे लिए पिज्जा। बहुत टेस्टी भैया। चलो भैया उठाते हैं पिज्जा और डालते हैं सोने पे। टूट गई मेरा, निर्दयी की तरह तोड़ रही हूँ। बर्थडे पिज्जा अभी मैं गाइस हूँ टेरेस पे। अचानक से पूरा माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि मुझे कल या परसों में जाना है हॉस्टल। और काजू ने मुझे दिया बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट। जो भी गिफ्ट उसने दिया है, मैं उसकी फ़ोटो जो होगी बगल में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि दैट इज़ एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मतलब देख के हमें रोई, मुझे मेरे मतलब इमोशन देख के काजू रोया, काजू को देख के पापा मम्मी एवरीवन सब रो दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी सब कुछ, जो मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं ये वीडियो में हर बार मैंने अनएक्सपेक्टेड वर्ड यूज़ किया, क्योंकि सच में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी से कुछ भी। तो फिर जो भी था अच्छा लगा। अचानक मैंने कपड़ा वपड़ा सब कुछ बदल दिया, क्योंकि मुझे पता है अभी पूरा एक केक भी आके रखा हुआ है जो कि गिफ्टेड है, लेकिन मैं कट नहीं कर सकती थी, जो कि मैंने फ्रीज़र में बढ़िया उसको हाई स्पीड पर कर दिया है। फ्रिज सही रहेगा, केक सुबह काटूंगी, आज नहीं कट कर सकती थी, क्योंकि जो रूल है जो घर वाले फॉलो करते हैं वो रूल है। बाय द वे प्रेजेंट टाइम में मैं टेरेस पे हूँ। तो गाइस, कल शाम के बाद से मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था। जब मैंने वीडियो बनाया लास्ट टाइम ने देखा, आज 16 की शाम है। आज पूरे दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, केक भी पूरा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा फिर से कल दोपहर वाला ड्रेस पहनूं और फिर सेलिब्रेशन अपना करूं, क्योंकि कल नहीं हो पाया। कल थोड़ा सा मोमेंट जो था वो इमोशनल टाइप्स हो गया था। आज फिर से मैंने ड्रेस पहना, मेकअप किया थोड़ा, और अभी मैं चल रही हूँ केक कट करने और सबके साथ में बर्थडे, मतलब केक वेक सबको खिलाने। झूठ मूठ का नौटंकी कर रही हूँ। खुशी रख दिया, हो गया शकल बर्बाद, ठीक रख दी, ओके डन। मेकअप में आज दिख रही है, कल कपड़ा नहीं पहन पाई थी, उसके पहले ही माहौल बहुत होने वाला हो गया था। नहीं हुआ था, झूठ बोल रही है तुम। मम्मी आओ, मम्मी आओ, मम्मी आओ। आ गया मेरा भाई बर्थडे में आ गया। कल तुम्हारा गिफ्ट देख के मैं इमोशनल हो गई थी, और ये भी बहुत इमोशनल हो गया था, बहुत रोया था कल। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं एकदम
पास दिल की, तो उसको देख के इंसान को रोना आ जाता है। मम्मी का मेकअप हो रहा है, मम्मी सुस्त टाइप की हो गई है, पहले मैंने बताया पता नहीं क्यों लिपस्टिक सेप में नहीं लगाई मम्मी तुम। लोग तुम सेलिब्रेट नहीं की, तुम कट करो ना, तुम सेलिब्रेट नहीं की देना बड़े ना, लो 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 आओ दो लो। केक हो गया, मर्डर हो गया, मर्डर खत्म, केक खत्म, चुका है कट, बस। यहाँ पे मेरा मिनी सेलिब्रेशन आज भी हो गया। मुझे ये फीलिंग नहीं है कि मेरा बर्थडे खत्म हो चुका है, नहीं तो बहुत बुरा लगता है बड़ा बर्थडे खत्म होता है। फिंगर चिप्स का, मोमोज का। अब मैं जा रही हूँ केक सबको देने बाहर भी। अभी हम जा रहे हैं केकों को डिस्ट्रीब्यूट करने। यस, बहुत ही अंधेरे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ बर्थडे का केक आजू बाजू के लोग खाए। हाँ, यहाँ पे मैंने आंटी लोगों को केक दिया है और छत पे आई, छत वाले भैया का कमरा भैया था बंद, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा अपना केक नीचे। यहाँ पे एसी भी गई उसी के मुंह के अंदर। यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से केक पूरा हो चुका है, एंड तक ये सब ऐसे हो ही जाता है, कैंडल वैंडल सब निकाल दिया है। और फिर ये है गुप्ता, ये है MM, दोनों के केक्स कट किए, वैसे दोनों के लगभग सेम ही टेस्ट होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने कोई केक खुद से ख़रीदा भी नहीं है, दोनों केक गिफ्टेड थे। प्लान मैंने बताया कोई भी सेलिब्रेशन का नहीं था, जैसा कि पता है आपको, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। और करीब मेरा बर्थडे ख़त्म हो चुका है, मैं आज कट कर रही हूँ, क्योंकि सेलिब्रेशन जैसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कट करना जरूरी था, जब मेरे पास आया हुआ था उसको कट करना इम्पॉर्टेंट था। कट किया, सबको दिया, सब खुश, मैं भी खुश, सबकी खुशी में और अपनी खुशी में। बाय द वे, अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े को चेंज करने। ये मेरी गिफ्टेड डायरी है, बहुत पुरानी, जो कि मेरे स्कूल टाइम में मुझे किसी ने दिया हुआ था, और इसको चूहा काट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से न्यू है, वैसे डायरी खोल के मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन वैसे इसमें मैं कुछ क्रिएटिव करने चल रही हूँ। बुके है, ये किसी ने दिल से दिया होगा, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन खराब हो जाएगा ये, वेस्ट हो जाएगा, इधर उधर फेंक दिया जाएगा। तो मैं दिमाग में सोचा कोई भी गिफ्ट उसको मुझे फेंकना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत इंसान को सोच के समझ के प्यार से देता है। तो इससे मैं कुछ बनाने चले गया था जो मेरे पास हमेशा रहे। सबसे पहले ये फ्लावर आ गया है, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी इस डायरी में पेस्ट। यहाँ पे ढेर सारे रोज मैंने कट किया है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसको अपने पास हमेशा रखने का सिर्फ एक ही जरिया है कि मैं इसको कट करके कहीं पे पेस्ट करूँ। बनाते बनाते मैं थक गई। अभी यार मिसिंग छोटी दादी, उनके पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज होते थे हर चीज को, मतलब वो पुरानी से पुरानी चीज को इतना ज्यादा क्रिएटिविटी उसमें दिखा के उसको नई तरीके से रिप्रेजेंट करती थी। कोई भी चीज हो, मतलब पुराने बॉटल, पुराना ढक्कन, पुराना पेड़, मतलब कुछ भी हो, उनके पास हर चीज के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया रहता था। फ्यूज, बल्ब, एवरीथिंग, उनके पास हर चीज़ को देखने के बाद एक न्यू आइडिया आता था, और वो कुछ ना कुछ बहुत क्रिएटिव बना देती थी। लेकिन मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी अभी इस चीज़ को लेकर नहीं आ रही है, तो मेरे पास बस मेमोरी को सेव करना है कि मैं इसको अपने पास रखूं और ये सब मेरे पास रहे फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। बाय द वे, अभी मैं इसमें बिजी हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। दिस इज सो ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर, इसमें है रेड रोज, इसमें था येलो फ्लावर, और जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये वाकई बहुत 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 अच्छा बुके है ये। इस बुके को मैंने अनदर डे में बना के रख दिया है ताकि ये खराब ना हो। अब दिखाते हैं कैसे। इस तरीके से फ्लावर्स जो थे इसके, उसको मैंने कहीं और पेस्ट कर दिया है, और पत्तियों को मैं फेंकना नहीं चाहती थी, फेंकती तो क्या ही होता, कुछ ना होता, तो मैंने इसको कर दिया है पैक इस तरीके से, और देखने में प्यारा लग रहा है, क्यूट सा, सारी चीजें इसके अंदर, अब ये कहीं नहीं जा सकती हैं, सड़ भी जाएंगी, इसके अंदर रहेंगी और इसको मैं रख सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जो कि
नहीं सेलिब्रेट हुआ जो भी कह लीजिए, जो भी था यही था सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन जल्दी मिले मेरे वीडियोज़ की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।